हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं विनीता राणा, सिद्धपीठ कालीमठ से आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज आप देख रहे होंगे ये खूबसूरत सा नज़ारा, ये है चोपता के बाद हम आए हैं आज सारे गांव में, क्योंकि यहाँ पे रहती है मेरी बहन, लगती है आरती नेगी, तो उसका भी होम स्टे है यहाँ पे। तो बहुत दिन से बोलती थी, दीदी कभी सारी आया करो, कभी आया करो। तो मेरी तो बहुत इच्छा थी आपको द्योराताल ले जाने की, क्योंकि जब मैं द्योराताल जाती थी तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। अब मेरे ब्लॉग में ना कभी भी देवराताल का वीडियो नहीं है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी एक बार वहाँ जाने का। आज तो बहुत देर भी हो गई, क्योंकि हम पहले चोपता गए और उसके बाद हम यहाँ पे आए, तो अभी तो जाने का इतना टाइम नहीं था। तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर आपको देवराताल का भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक तालाब है, प्रकृति का पहले से बना हुआ है, जिसको देवराताल बोलते हैं। और ये खूबसूरत सा गांव, सारे गांव लगता है यहाँ से शुरू हो जाता है सारे गांव, और बाकी सामने और भी सुंदर सुंदर गांव हैं यहाँ पे। ये देखो, और बहुत ही ज़्यादा शांति है। और यहाँ पे ना 12 महीना यात्री आता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, और इसके बाद यहाँ पे बर्फ़ गिरने वाली है। इससे पहले भी बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले यात्री आते हैं, और इसके बाद आते हैं ट्रैकिंग, जो बर्फ़ में आते हैं देखने के लिए, बर्फ़ देखने के लिए चोपता, तो वो लोग यहाँ पर आते हैं। तो अभी आपको ले जाते हैं सारे गांव में, बने रहे हमारे साथ, जय माँ काली। तो अभी हम पहुंच गए हैं सारी में, जहां से जाते हैं देवराताल के लिए, और यहां पे है आरती का लॉज, होम स्टे। चल अरे ये है आरती का कैफे। तो अभी हम पहुंच गए हैं सारी में, जहाँ से आप देवराताल जाते हैं, और यहाँ पे है मेरी बहन आरती का कैफे होटल, और यहाँ पे खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं हैं, और हम भी यार यहाँ खाने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ पे देखो, आरती का बर्थडे फुल मनाया जा रहा है। अभी हम खाना खाते हैं, उसके बाद आपको पूरा इसका होटल और इसका होम स्टे जो भी है आपको दिखाएंगे। तो जब भी आप चोपता तुंगनाथा हो तो देवराताल आएंगे, तो ज़रूर यहाँ पे खाना खाएं और मेरा नाम ले लेना। यहाँ पे इनका होम स्टे का फिर से काम लगा हुआ है, ऊपर वाली मंजिल बन रही है यहाँ पे, और आपको और अच्छी व्यवस्था मिलने वाली है यहाँ पर। और यहाँ से जो गेट है, यहाँ से ऊपर देवराताल जाने का रास्ता है। तो यहाँ पे 12 महीने यात्रा सीजन चलता है, और यहाँ पे सुंदर सा एक कैफे है, और साथ में किचन। तो भी बने यार, तो कुछ आप होम स्टे पता दे दो। आपसे मिलाते हैं हम आरती के हस्बैंड, जो यहाँ के ओनर हैं। तो आप बोला कुछ है? हेलो नमस्ते जी, मेरा नाम राकेश नेगी है, और ये हमारा कैफ़े है, और सामने हमारा होम स्टे है। तो हम सारी गांव से हैं, तो यहाँ पर लोग चोपता तुंगनाथ देवराताल के लिए लोग आते हैं, तो यहाँ स्टे करते हैं। यहाँ से एक दिन लोग देवराताल जाते हैं, और वहाँ से बहुत सारे लोग वहाँ से ट्रैक करके वहाँ से चोपता जाते हैं, कि जो कि 14 किलोमीटर है, 6-7 किलोमीटर है। अगले दिन वहाँ से लोग चोपता से तुंगनाथ चतुर्शिला जाते हैं, और वहाँ से जो है 360 डिग्री का पूरा व्यू है, पूरा हिमालय जो है कवर होता है इसमें, नंदा देवी, जोनली, कसूर, हाथी पर्वत, और यहाँ पे पूरा फौना फ्लोरा है। तो आप गाइड भी करते हैं? गाइड भी करते हैं। अच्छा, तो कोई यहाँ पे आना चाहे तो ये आपको द्योराताल, चोपता, तुंगनाथ, चंद्रशिला, और यहाँ का जो भी लोकल है यहाँ पे, सब आपको घूमने के लिए आपके साथ भी देंगे, और आपके साथ भी जाएंगे, और पूरी खाने रहने की व्यवस्था भी यहाँ पे है। तो बहुत खूबसूरत जगह है, और इनका गांव सामने, यहाँ से नीचे इनका गांव भी है, ये सारी गांव है, बहुत खूबसूरत जगह पे है। तो एक बार आप ज़रूर यहाँ पे विजिट करें। जय माँ काली। तो आपको रूम भी दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे रूम की व्यवस्था है सब। यू ये बीच हो बहुत खूबसूरत, यहाँ देखो।
और यहीं अटैच बाथरूम भी बोलना। हाँ तो यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, यहाँ पे गीजर वगैरह लगे हुए हैं और रूम भी आपको इस प्रकार से यहाँ पे मिलेंगे। बहुत अच्छी सफाई है, खूबसूरत। सब कमरों में अटैच ना। और अब चलते हैं सारी से घर की ओर। और ये है आरती तो इसकी बहुत अच्छी सफाई रूम में बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही रखती हूँ तो मेरी बहन है तो ये भी ऐसे ही रखेगी तो मिलते हैं आपको फिर, अभी फिर आएंगे जरूर जरूर। और सामने ना गुड़हल का फूल है, मेरा फेवरेट है ये, क्योंकि काली माता को बहुत पसंद है गुड़हल का फूल। लगानी छो मेरे तो चलते हैं आरती के घर से वापस अपने घर की ओर। तो आप जब भी देवरात आएं तो यहाँ पे आरती के होम स्टे पे जरूर आएं। जय माँ काली। सब भाइयों कुछ नहीं।